पीएसएल का सेकेंड मुकाबला कवर करने के लिए आए हैं। क्वेटा वर्सेस पेशावर जालमी के बीच मुकाबला खेला जाएगा। देखो, पाकिस्तान लीग में सबसे ज़्यादा कोई प्रॉफिट किया है तो वो डोमेस्टिक प्लेइंग 11 का फैमिली है। चाहे बिना लाइनअप वाले मैच हो, चाहे इंटरनेशनल हो, जो भी हो, पाकिस्तान लीग हम लोगों के लिए हमेशा से अच्छा जाता है। जो हकीकत है वो हकीकत है। तो उम्मीद करेंगे यह मुकाबला भी हम लोगों के लिए बेहतर जाए। तमाम चीज़ें देखें, कौन सा प्लेयर क्या हो सकता है पिच रिपोर्ट से लेकर, और एक मुकाबला ऑलरेडी कवर कर रहे हैं तो उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, सबसे पहले अगर यदि आप इस मुकाबले को या फिर कोई भी मुकाबला ले लो, T10 वोमेन, आपका भाई ऐसा कोई मुकाबला नहीं जो कवर नहीं करता और नहीं कर सकता, तो हर मैच के अपडेट के लिए पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई, सारा कुछ टेलीग्राम पे देता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर ये कमेंट देख रहे हो, कमेंट पर क्लिक करो, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84 रहेगा, उस पर क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल 55K सब्सक्राइबर के आसपास रहेगा, वहीं पर आपको जुड़ना है क्योंकि वो ओरिजिनल चैनल है। हर मैच का अपडेट आपको प्रॉफिटेबल वहाँ पर मिलने वाला है। तो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेटा वर्सेस पेशावर के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, PSL का सेकेंड मुकाबला है, और कल डबल हेडर यानी दो मुकाबला है। ये 2 बजे यानी कि टॉस टाइमिंग है, 2:30 बजे मुकाबला स्टार्ट होना चाहिए 18 फरवरी को, तो यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ से देखोगे रिसेंट मैच PSL में क्वेटा जो है विन लॉस लॉस विन विन करके आ रहा है, यानी 5 में से 2 मुकाबला लॉस और 3 विन करके आ रहा है, और पेशावर विन विन और 3 लॉस, यानी कि ये 5 में से 3 लॉस 2 विन और सामने वाला 3 विन 2 लॉस है। हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जहां पर क्वेटा की टीम ने 9 और पेशावर की टीम ने 12, तो थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड में आगे है। बाकी पिच रिपोर्ट देखा जाता है, देखो फाइनल पिच रिपोर्ट ज़्यादा मायने, अभी पिच रिपोर्ट की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली पिच रहता है और यहाँ पर फास्ट और शुरुआत में स्पिनर को भी मदद मिलता है अगर जो DU का असर नहीं हुआ तो। तो पेशावर का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होना है? सेम आयुब कमाल का आक्रमक बल्लेबाज, हम लोग डोमेस्टिक खेले, आपको पता होगा इनका रिकॉर्ड क्या है। बाबर आजम भाई, पाकिस्तान का नाम लोगे तो बाबर आजम का नाम सबसे ऊपर आएगा, इंटरनेशनल लेवल का बेस्ट प्लेयर है। क्या इनको कैप्टन देंगे? रुको, मोहम्मद हारिस भैया छक्के चौके पर डील करता, उतरने के साथ आपको छक्के चौके लगाते हुए नजर आएंगे, और T20 में से बल्लेबाज बढ़िया करता। टॉम कोलर की बात की जाए, काफ़ी कमाल का बल्लेबाज है, टेक्निकल बल्लेबाज है, क्या इनको पिक करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। हसीबुल्ला खान पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है, विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगा, और रिकॉर्ड देखोगे अभी पाकिस्तान वनडे कप, पाकिस्तान T20 कप, कुछ भी उठा लो वहाँ पर इन्होंने अच्छा करके दिखाया। आसिफ अली ये फिनिशिंग का काम करेगा मेरे भाई, तो पहले बल्लेबाजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंड बल्लेबाजी में हो सके बल्लेबाजी ना मिले। आमिर जमाल एक T20 अभी चल रहा था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, वहाँ पर इन्होंने गेंदबाजी से ज़्यादा तो नहीं लेकिन बल्ले से भी कमाल कर रहा था, तो ये दोनों चीज़ कर सकते हैं, एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है। वैसे देखा जाए डोमेस्टिक में तो ये दोनों चीज़ अच्छा करता है। कुरान शहजाद पहले गेंदबाजी में कैप्टन VC भी दे सकते हो, क्यों? क्योंकि इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बोलता है, पूरे डोमेस्टिक प्लेइंग 11 फैमिली को पता होगा ये किस तरह का डोमेस्टिक में गेंदबाजी करता है। इस मुकीम की बात की जाए, GL का ट्रम्प कार्ड रहेगा मेरे भाई, गजब की स्पिन गेंदबाजी करता, कमाल का है। वैसे T20 पाकिस्तान T20 कब जो चल रहा, तो वहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा किया। लुकवुड आपको पता होगा T20 ब्लास्ट या फिर 100 का जो मैच होता है वहाँ पर विदेश में ये खेलते हैं, और काफ़ी बढ़िया शुरुआत में पावर प्ले में विकेट लेने के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। एस इरशाद पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, पिच को भली भांति समझते हैं, तो पहले गेंदबाजी में ये भी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। दूसरे टीम देखा जाए, जेसन रॉय के साथ विल समित, आपको पता होगा जेसन रॉय अभी साउथ अफ्रीका T20 लीग में ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहा था आक्रमक, लेकिन पाकिस्तान के पिच पे थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, वहाँ पर स्पिन का बोलबाला रहता है। ओ विन यूसुफ पाकिस्तान से बिलोंग करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। रियली रेसव बहुत स्ट्रगल कर रहा था भाई साउथ अफ्रीका T20 में, एकाक मैच छोड़ के देखोगे तो बहुत ज़्यादा, तो हमें नहीं लगता शायद ज़्यादा खास होगा। साउथ साकिल शुरुआती झटके लगेगा तो ये वर्क करेगा, क्योंकि रुक कर खेलते हैं, थोड़ा संभल कर खेलते हैं, तो ऊपरी 2 बल्लेबाज पर अगर जो रिस्क ले रहे हो तो साउथ साकिल इंपॉर्टेंट रहेगा। सरफराज अहमद बल्लेबाजी मिल गया तो भैया ये जल्दी आउट नहीं होता, T20 को ये ODI की तरह खेलता है, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें फैंटेसी पॉइंट से मतलब है, तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मोहम्मद वसीम जूनियर डेथ में डालेगा अब्रार अहमद भाई, टेस्ट का बेस्ट ऑलराउंडर, आपको देखोगे प्योर चश्मे लगा कर ये गेंदबाजी करता है, देखने में भी सुंदर और कमाल की गेंदबाजी करता है भाई। आपको पता होगा जो टेस्ट चल रहा था ना, एक इनिंग में 6 विकेट 7 विकेट ऐसे करके लेता था,
तो T20 में बढ़िया करेगा नहीं करेगा वो एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम दोनों डेथ में डालना चाहिए। अदिल नाज जीएल पर ट्राई करना। मोहम्मद आमिर बहुत अनुभव है लेकिन रिकॉर्ड ज़्यादा खास अभी फिलहाल रिसेंटली नहीं है। बाकी पेशवार जालिम की तरफ से एस अयूब का रिकॉर्ड देखा जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो एस अयूब का रिकॉर्ड 8-8 यहाँ पर 37 का एवरेज है और वेन्यू रिकॉर्ड जो है यहाँ पर 27 का एवरेज है। रिसेंट क्या करके 10-2 खास नहीं है। बाबर आजम का देखोगे रिसेंट फॉर्म 47-47-37-62 ऐसे करके आ रहा था, इंपॉर्टेंट होना चाहिए और रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। मोहम्मद हरीश का देखा जाए रिसेंट 16-12-8-64-18 करके आ रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाता है इसका एवरेज है और यहाँ से वेन्यू रिकॉर्ड 35 का एवरेज है। बाकी यहाँ से देखोगे टॉम खुल्लर की बात की जाए इनका रिसेंट 4-1-19-39 करके आ रहा है, ठीक ठाक है उतना खास नहीं। ऐसे बुल्ला 146 का आपको मिलेगा नाबाद जो कि रिसेंटली में 80 पली 21-32 इसी तरह का ये इनिंग खेलेगा। 6 गेंदे 10 गेंदे में डबल 200 का स्ट्राइक रेट 300 के स्ट्राइक रेट से। बाकी आमिर जमल का रिसेंटली फॉर्म में देखोगे तो ठीक ठाक एक विकेट ऐसे करके आ रहा है लेकिन बल्लेबाजी भी ये कर लेता है। अगला देखोगे कुरान शहजाद का 3-0-0-2 ऐसे कर का। एस मुकीम का देखा जाए 1-2-3 तो ठीक ठाक है। ये प्लेयर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना है, इस पर लोग अटैक करने का सोचेगा लेकिन उतना भी बुरा गेंदबाज नहीं है। लुक वुड पावर प्ले में गेंदबाजी लेने के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं एस इरशाद, ये कमाल का प्लेयर है, थोड़ा सा डिफरेंशियल का काम करेगा बाकी कुछ नहीं। जी सर वो क्या करके है 0-47-24-8-32 साउथ अफ्रीका T20 लीग में हम लोगों ने देखा। विल समित का फॉर्म बहुत खराब है 1-5-18-17 ऐसे करके आ रहा है। ओ बिन यूसुफ ठीक ठाक रहेगा 36-25-46-14-17 यानी पाकिस्तान का प्लेयर है तो पाकिस्तान में अच्छा करता है। बाकी रेले रिसव देखो 10-0-10-13-1 भाई कमाल का इनका देखोगे ना फॉर्म इतना खराब चल रहा है। साउथ साकिल 18-22-44 थोड़ा ODI का प्लेयर। सर फराज अहमद 22-28 इनको बल्लेबाजी मिल गया तो समझो ये खेल ही लेगा, बस अरते थोड़ा नीचे आता है। मोहम्मद वसीम 1-0-2-0 ऐसे करके आ रहा है। बाकी अब्रार अहमद 1-0-0-1 यानी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए ये, अगर जब स्पिन को मदद रहा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहम्मद हसनैन की बात करें 1-2-0-1-1 यानी विकेट ये लेस जाता है भाई, विकेट लेस जल्दी ये जाता है। अली नाज देखो 2-0-0-2-1 पाकिस्तान T20 लीग जो जहाँ पर चल रहा था वहाँ पर ये अच्छा कर रहा था लेकिन थोड़ा सा महंगा भी साबित हो रहा था। मोहम्मद आमिर का देखो 0-1-2-3-1 यानी रिसेंटली फॉर्म मोहम्मद आमिर अच्छा करके आ रहा है लेकिन पाकिस्तान लीग में हमें जहाँ तक लगता है ज़्यादा ये खास नहीं कर पाते, क्यों पता नहीं। तो दोस्तों लास्ट में यहाँ पर T20 मैच जहाँ टोटल जो है 20 खेला गया जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट 12 और बैटिंग सेकंड 8 विन के एवरेज स्कोर 169 का रहता है। हाईएस्ट स्कोर 209 है, लो स्कोर 94 है। यहाँ पर 150 रन 5 बार बना, 150 से 169 5 बार और 170 से 189 3 बार बना, तो ये है इनका पिच का वेन्यू रिकॉर्ड। तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन चले उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ वो भी बेहतर तरीका से। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पेशवार सॉरी क्वेटा का गेंदबाजी अटैक या मोहम्मद आमिर आना चाहिए, मोहम्मद वसीम अब्रार अहमद एम हसनैन यहाँ से मैं पिक करूँगा। साउथ साकिल हुसैन यहाँ पर डब्ल्यू हसन का खेलेंगे चांस बहुत कम। रेली रोसाउ यहाँ से विल्सन ओबिन यूसुफ यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ। अब यहाँ से सरफराज अहमद के ऊपर चाहो डाल सकते सामने वाले टीम में। यहाँ पर मोहम्मद हरीश हसीबुल्ला को मैं यहाँ से पिक करूँ, मोहम्मद हरीश के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेने पड़े। बाबर आजम हमारे टीम पर रहेगा, इस अयूब के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। आमिर जमल हमारे टीम पर रहना चाहिए। यहाँ से देखोगे कुरान शहजाद हमारे टीम पे रहेगा। बाकी यहाँ से इनका एक स्पिनर देखना पड़ेगा एस मुकीम जो कि बढ़िया कर सकता है इसे लीग में ना, स्पिनर कहीं ना कहीं मदद था। एलवुड बुरा ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी एक मैं सोच रहा हूँ किनके जगह मैं जाऊँ किनको पिक करूँ, लेकिन मैं यहाँ से एस आयु के ऊपर ही चला जाऊँगा। कैप्टन वीसी के लिए बढ़िया च्वाइस कौन है? देखो बाबर आजम से बेहतर मुझे कैप्टन वीसी कोई तो नहीं लग रहा, तो मैं बाबर आजम को कैप्टनसी दूंगा। और डेथ में जो गेंदबाजी करेगा जैसे क्वेटा की टीम पहले गेंदबाजी तो मोहम्मद वसीम को दे दूंगा, और अगर जो पेशवार की टीम पहले गेंदबाजी तो कुरान शहजाद को दे दूंगा। तो ये हमारे टॉस पर निर्भर करेगा। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए अब ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए। आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो या मुकाबला हम लोगों के लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप जाए, भगवान थोड़ा सा मेहरबानी करे जमकर प्रॉफिट जाए और या पूरे के पूरे सीरीज अच्छा जाए सारे भाई मिलकर। और हम लोग यही डेली विनती करो ताकि सबका प्रॉफिट होगा, सबके साथ सबका विकास। जय भगवान।